नमस्कार दोस्तों, आज हम गार्नियर मेन एक्नो फाइट फेस वॉश के यूजेस, साइड इफेक्ट और इस्तेमाल करने के बारे में बात करेंगे। इस फेस वॉश को मेनिस की त्वचा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये एक गहरी शुद्धिकरण वाला फेस वॉश है जो एक्ने के 6 संकेतों से लड़ता है और चेहरे पर मुहांसों के कारण आने वाले 99.9% जीरम्स को मारता है। नींबू और मेंथोल के अर्क के साथ यह फेस वॉश आपको ताजगी और स्वच्छता की खुशबू देता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा को शांत करते हैं और सूजन और लालिमा को कम करते हैं। यह फेस वॉश जेल आधारित है और मिट्टी और किचन से किचन को छूटने में मदद करता है। इस गार्नियर फेस वॉश का नियमित उपयोग करके तेलिये और एकने भरी त्वचा से छुटकारा पाएं। दोस्तों, अब नजर डालते हैं इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें वाटर, ग्लाइसेरिन, मेरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, लॉरिक एसिड, ग्लाइसेरिल स्टेराइट, ग्लाइसेरिल स्टेराइट, फ्रेग्रेंस काओलिन, पीगे चामोनम, सीआई 42090, ब्लू 1, सीआई 74160, पिगमेंट ब्लू, फिमेन, मिनरल ऑयल, सोर्बिटॉल, वैक्सीनियम मायर्थिलस ग्लाइकॉल, टेट्रासोडियम ईडीटीए, लेमन फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट, मेंथॉल, इथिल सेलुलोज आदि है। दोस्तों, जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। गार्नियर फेस वॉश में नींबू के अर्क और मेंथॉल होता है जो त्वचा को ताजगी देता है और साफ करता है। यह गेल आधारित है और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो लालिमा और सूजन में मदद करते हैं। यह त्वचा को शुद्ध करता है और ब्लैकहेड से छुटकारा दिलाता है। गार्नियर फेस वॉश तेलिये और एकने की प्रवृत्ति वाले पुरुषों के लिए उपयोगी है। यह मुहांसों के कारण जीरम्स और बैक्टीरिया से लड़ता है और 99.9% को मारता है। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रयोग की। यह मुहांसों, तेल उत्पादन और उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। यह त्वचा के छिद्रों को टाइट करता है और ब्लैकहेड्स को उखाड़ देता है। यह दाग और लालिमा को कम करता है, साथ ही मुहांसे के निशानों को भी। दोस्तों, इस्तेमाल के लिए थोड़ी सी मात्रा में फेस वॉश निकालें और अपने गीले चेहरे पर मालिश करें। कुछ सेकंड के लिए हल्के हाथ से स्क्रब करें और पानी से धो लें। हर दिन 2 बार फेस वॉश का उपयोग करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नवीनतम अपडेट्स से अपेक्षित रूप से अवगत रह सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलें।